Today is a big day for UAE and Pakistan when we see Abu Dhabi Ports Group sign an agreement, important agreement with Karachi Port. I think this agreement will open a door for both sides to work together closely in the nearly future in different fields, cargo, infrastructure, free zones, and different kind of collaboration between two countries. UAE and Pakistan have historical relationship, strong relationship. Daily News Dubai के सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद ज़हीर अख्तर, आज की एक बहुत अच्छी और प्यारी खबर के साथ। मेरे वो सभी दोस्त स्पेशली यूएई के अंदर मुकीम हैं या पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, उनके लिए भी एक अच्छी और प्यारी खबर है, जो भी सुन रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, माशाल्लाह सबके लिए। तो बता देते हैं आपको, जैसा कि आप बैक पे ये एक वीडियो देख रहे हैं, ये इंग्लिश में बता रहे हैं, मैं आपको इसकी उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि अब से एक मुआहदा तय पाया है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, यूएई अबू धाबी के दरमियान में। पाकिस्तान कराची की जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह इसको बोलते हैं, उसके तकरीबन दो टर्मिनल का तकरीबन जितना भी कंट्रोल है वो अबू धाबी की जो है गवर्नमेंट वो संभालेगी, यानी कि अबू धाबी के दरमियान में उनका एग्रीमेंट तय पाया है, यानी कि अबू धाबी पोर्ट के टर्मिनल का अभी वहाँ पे कराची पोर्ट के टर्मिनल को संभालेंगे। दो टर्मिनल तो हैं कराची के, उनको ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, स्पेशली एक अच्छी भी बात है कि यूएई इन्वेस्ट करेगी पाकिस्तान के अंदर और बहुत से वहाँ पे इससे हो सकता है कि रोज़गार के मौके भी पैदा हों मज़ीद, क्योंकि जब यूएई वहाँ पे इस पूरी पोर्ट की टर्मिनल की देखभाल करेगी या निगरानी करेगी या वहाँ पे उसको संभालेगी, तो लाजम सी बात है कि यूएई का स्टैंडर्ड एक हाई लेवल का है और उसको मेंटेन करने की लाजम से उनको बहुत से आदमी भी चाहिए होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन फ्यूचर है। लेकिन अभी तक की तो ये न्यूज़ आप बैक पे देख सकते हैं, अभी जाके यही अपडेट है, नई अपडेट आई मैं जरूर आप प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन माशा से एक अच्छी और प्यारी खबर आई थी, मैंने सुनी है और आपके साथ शेयर की है। आप भी इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई दोस्तों के साथ, तो पाकिस्तान में हैं, यूएई में हैं, कहीं पे भी हैं, एक ये खबर पूरी डिटेल आप पीछे हल्की हल्की इंग्लिश की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, आप सुन रहे हैं, अभी तक आप सर्च कर रहे हैं, ये हकीकत है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, रेयर पे मबनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।